ओके बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। लेक्चर आप लोग का आज बहुत ही माइनर है, एक्चुअली प्रीस्क्यूएल है आपके लास्ट प्रीवियस लेक्चर का। और आज के लेक्चर के बाद आप लोग का डिमांड कर्व का कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियसली हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट क्या होती है और मार्केट को कंट्रोल ऐसी कौन सी दो फोर्सेस करती हैं, ठीक है। वी नो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आके मिलते हैं, उस जगह को हम मार्केट बोल देते हैं। अब उस मार्केट को ऑपरेट कौन करता है, वो दो फोर्सेस हैं, डिमांड की फोर्स और सप्लाई की फोर्स। जो डिमांड की फोर्स होती है वो होती है आपके बायर के हाथ में, और जो सप्लाई की चेन होती है, सप्लाई की फोर्स होती है, उसको इम्प्लीमेंट करता है एक सेलर, बेचने वाला। अब ये फोर्सेस इम्प्लीमेंट कैसे करती हैं, उनका डिफरेंट डेटा कलेक्ट किया जाता है डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड। तो उन दोनों में सबसे पहले हम लोग कर रहे थे डिमांड कर्व की बात। प्रीवियसली हम लोगों ने बेटे ये डिमांड कर्व को देखा, डिमांड एंड डिमांड कर्व। आज हम लोग डिमांड कर्व के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि डिमांड कर्व को फर्दर कैसे देखा जाता है। ये जो डिमांड बताई गई थी, ठीक है, डिमांड इज द विलिंगनेस एंड पावर टू परचेज अ गुड और सर्विस, ठीक है। इसका माइनस और डिफरेंस वांट और डिमांड के दरमियान भी आप लोगों को बता दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेंट्स बताए गए थे कि कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, यानी कि आपकी डिमांड को बिल्डअप करने के लिए कुछ ऐसे पांच फैक्टर्स हैं जो कि असर अंदाज होते हैं, ठीक है। आपकी डिमांड को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले उसमें था मार्केट प्राइस, उसके बाद थी इनकम, उसके बाद थी आपकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फिर टेस्ट आते थे, फिर एक्सपेक्टेशंस आती थी। ये पांच चीजें आपकी मिलके डिमांड को डिसाइड करती हैं, या फिर ये अलग अलग भी आपकी डिमांड को बिल्डअप करती हैं कि आपकी डिमांड क्या होगी किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। अब लेट से इन सब में से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंज्यूमर इनकम की इस फैक्टर की बात कर लेते हैं। इस फैक्टर में ये देखा जा सकता है कि अगर आपकी जेब में पैसे इंक्रीज हो, यानी कि आपकी इनकम बढ़े, इनकम सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है। आप फॉर नाउ स्टूडेंट्स हैं तो आपका इनकम सोर्स आप लोग की पॉकेट मनी है, ठीक है। आप लोग की पॉकेट मनी वाली इनकम अगर बढ़ती है तो आप लोग की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। विलिंगनेस तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, हर इंसान के पास विलिंगनेस ऑलरेडी हर चीज को हासिल करने के लिए होती है। असल बात होती है डिमांड बनाने के लिए परचेसिंग पावर का होना। जब आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई, तो इट मीन्स कि आपकी डिमांड बिल्डअप हो गई। इसी तरीके से आज ये चीजें हम लोगों ने इन डिटर्मिनेंट्स को फर्दर डिटेल में देखना है कि ये जो पांच डिटर्मिनेंट्स दिए जाते हैं डिमांड के अंदर, क्यों इनका जिक्र आता है। तो बेटे आगे चलते हैं। जी, डिमांड, सबसे पहले मैं एक दफा डिमांड को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी, सिर्फ इसके लॉ को लेके। ये चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों ने जितनी बात करनी है डिमांड के ऊपर, वो सारी की सारी इस लॉ के इर्द गिर्द ही बात होगी। अच्छा, अब डिमांड का लॉ है, और अच्छे से आप लोगों ने ये जेहन कर लेना है कि ये जो लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो जिस तरीके से लिखे गए हैं, जिस तरीके से बताए गए हैं, उसमें एक वर्ड की भी आप गुंजाइश नहीं होती कि आप अपने से कुछ रद्दो बदल कर सके, ठीक है। यू कांट चेंज द लॉ। लॉ का मतलब ही ये होता है कि वो एक दफा बना दिया जाता है, बता दिया जाता है, देन ऑल द पीपल हैव टू फॉलो दिस। अच्छा, अब जब ये लॉ बना तो इसमें कह दिया गया कि सैटरिस पैरिबस, यानी कि बाकी सारी चीजों को भूल जाएं, बाकी सारी चीजों को इक्वल रखें, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में डिस्कस करें कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि उसको लेने की पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो उसको लेने की पावर इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक किस्म का एक इनवर्स रिलेशनशिप शो किया है मेरे बेटे। इनवर्स रिलेशनशिप से मुराद है कोई चीज बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी चीज कम हो जाती है, मतलब किसी चीज का बढ़ना और किसी चीज का कम होना, ये एक इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बोला जाता है इसको। बहुत जगहों पे अब ये इनवर्स और नेगेटिव, यानी कि ये दोनों एक ही टर्म्स है, इनका जिक्र होगा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब मैं इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बोलूँ तो इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है। अब इस लॉ के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर किसी एक चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी उस चीज को लेकर डिमांड कम हो जाती है, लेकिन अगर कीमत जो उसकी कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं इस डिमांड को फर्दर लेके। डिमांड कर्व की बात की गई थी। अब इकोनॉमिस्ट ने अगर लॉ दे दिया है कि लॉ में आप कोई रद्दबदल नहीं कर सकते, तो बेटा ये जो डिमांड कर्व बनाया ना, इस नेगेटिवली स्लोप, इस ये है डिमांड कर्व, ठीक है, ये जो कलर्ड में है,
इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्लॉप्ड, ठीक है। नेगेटिव स्लॉप इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस नेगेटिविटी को शो करने के लिए जो आपकी स्लोप है उसकी जो फॉल आ रही है बेटे, वो आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है। अच्छा यहाँ पे बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को एक यहाँ पे टिप देती चलूँ कि बेटे इकोनॉमिक्स में ना जितने भी कर्व्स हैं जिनकी अगर यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक दफा बना के भी दिखा देता ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। ये आप लोगों का लेफ्ट साइड है, ठीक है, आप सबकी ये लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट साइड से जिस भी कर्व की फॉल आए ये इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर कुछ कर्व ऐसे आएंगे जिनमें जो फॉल आएगी बेटे वो आएगी राइट हैंड साइड से। अब जैसे यहां से मैं एक फॉल लेके आ रही हूँ, ठीक है, ये राइट हैंड साइड का कर्व है, तो ये होगा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप का निशानी। यानी कि दोनों चीजें बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। नेगेटिव जो कर्व्स होते हैं दे आर लेफ्टवर्ड स्लोप, इनकी स्लोप जो होती है वो लेफ्ट से इनका फॉल होता है, जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करती है। यानी कि एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, वो होती है पॉजिटिवली स्लोप, यानी कि वो राइट साइड से फॉल करती है। ऐसे कुछ आपके कर्व्स आगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी राइट नाउ जिसकी बात हो रही है ये है नेगेटिवली स्लोप, इसलिए क्योंकि ये अभी इसको मैं नेगेटिव स्लोप बोला, इसलिए देखा जाए तो इसकी जो फॉल आ रही है वो आपकी लेफ्ट साइड से बन रही है। अब मजीद इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कोई डिमांड स्केड्यूल था जो हमने कल ड्रॉ किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें प्राइस लोकेट की थी, ठीक है। एक दफा फिर से आप लोगों को इसमें मैं डिक्टेट करवाना चाहूंगी ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं आइडिया हुआ तो वो दोबारा से इसको देख ले। सबसे पहला मेरा काम है कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ओनली, ठीक है। उस ग्राफ में मैंने अपने वाई एक्सिस पे पी को प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस में मैंने अपने क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट कर दिया। क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू और आपके स्मॉल सब्सक्राइब सब्सक्रिप्ट जो होता है आप लोगों का डी उसके साथ। अब यहाँ पे मैंने प्राइस को प्लॉट करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो कॉर्नर पे एक छोटा सा जीरो मार्क कर दूंगी, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं अपनी प्राइस रेंज को फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाऊंगी। यानी कि सबसे पहले मेरे पास वन दिया गया है, उसके बाद मेरे पास टू दिया गया है, उसके बाद मेरे पास थ्री दिया गया है। सेम बेटे मैं करूंगी अपनी क्वांटिटी की साइड पे भी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स के को लेके मैं उसको सबसे लार्जेस्ट पे लेके जाऊंगी। सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 20 है मेरे पास, ठीक है, उसके बाद उससे लार्जेस्ट 20 से अबव मेरे पास 30 है। मैंने मार्जिन एक सा रखा है तो इसलिए मैं एक एक गैप छोड़ूंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है 40। ये मेरी हो गई पूरी की पूरी प्लॉटिंग, यानी कि मैंने अपने पूरी जो फिगर्स थी जो टेबल फॉर्म में मुझे एक स्केड्यूल दिया गया था मैंने उसको अपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। अब बारी आती है डिमांड कर्व बनाने की, तो डिमांड कर्व बनेगा इस टेबल को फॉलो करते हुए। यानी कि वन के ऊपर वन को 40 के साथ मैच करना है, तो मैं यहाँ पे वन के साथ वन को 40 तक मैं ले गई, ठीक है, ये मैंने ले लिया तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। वन और 40 को ज्वाइन करने पे एक पॉइंट मुझे मिल गया। इस तरीके से अब टू के ऊपर 30 है, टू को यानी कि 30 के साथ ज्वाइन कर देना है मैंने। यहाँ टू को कहाँ तक लेके जाएंगे, 30 तक ले गए, ठीक है। आपने हमेशा यहाँ से ज्वाइनिंग स्टार्ट करनी है वाई एक्सिस से। ये मुझे एक एन अदर पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट्स है ना ये मेरा डिमांड कर्व बिल्ड करेंगे, ठीक है जी। और मेरे अब टेबल में क्या आ जाएगा, मेरे टेबल में थर्ड वाली इन्फॉर्मेशन है $3 के ऊपर 20। अब 3 को मैंने 20 तक लेके जाना है, ये मेरा यहाँ पे ये 20 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब इन दोनों को मिलाने से एक पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंट्स को जब मैं आपस में ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास एक डिमांड कर्व आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट को ऐसे ये देखें, अब ये देखें, अब इसकी फॉल कहाँ से आई है, ये लेफ्ट साइड से इसकी फॉल आई है, यहाँ से इसकी फॉल आई है। तो ये फॉल बता रही है कि नेगेटिवली स्लोप है, और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग भी ये नेगेटिवली ही स्लोप आया है। लॉ ने भी यही कहा था कि इनवर्स स्लोप होगी, यानी कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, यानी कि प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ये जो डिमांड कर्व हमारे सामने बन के आया दिस इज एक्यूरेट, यानी कि अब हमें डिमांड कर्व बनाना आ गया है। अब फर्दर बात करते हैं उन चीजों की जिनके बारे में पहले जिक्र किया गया था कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनका क्या बनेगा। डिटर्मिनेंट्स आपको एक डिफरेंट पिक्चर देते हैं, कैसे देते हैं अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। अब बेटे जो आपके डिटर्मिनेंट्स है ना वो आपके डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट्स और शिफ्ट्स का बायस बनते हैं। अब ये मूवमेंट्स और शिफ्ट्स क्या है इसको भी हम लोग सेपरेटली देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दफा मैं यहाँ पे लॉ दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। लॉ में कहता है सैटरस पैरिबस, यानी कि सारी चीजों को इक्वल रखा है। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, कन्वर्सली एज द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज।
ये हमें लॉ दे रहा है एक इनवर्स रिलेशनशिप। अब इस इनवर्स रिलेशनशिप को अगर मैं इंटरप्रेट करूं या इस ग्राफ के ऊपर मैं शो करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से शो करूंगी। ठीक है, आपके डिटर्मिनेंट में से पहला जो डिटर्मिनेंट था वो था मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या था कि अगर प्राइस आपकी बढ़े तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, तो ये मेरी एक नेगेटिवली स्लोप बनी है, ये मूवमेंट है। ठीक है, सिर्फ मूवमेंट, सिर्फ इसको बोलते हैं, यानी कि ये कर्व या तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, अगर एक अबव पॉइंट मिल गया मुझे तो दिस इज कॉल्ड माई एक्सपेंशन। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्शन हो गया और एक्सपेंशन। मैं फर्दर इन टर्म्स के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको मूवमेंट्स बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट के ये पॉइंट मिल रहा है तो ये हमारा कर्व अबव की तरफ जा रहा है, और ये पॉइंट मिल रहा है तो हमें ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी कि ये हमारा सिंपल सा एक मूवमेंट शो कर रहा है हमारे कर्व की, के हमारा कर्व कंप्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता रहा है। अब ये तो बात होगी फर्स्ट फैक्टर की, जो पहला आपका डिटर्मिनेंट था मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस क्या कॉज करता है। मार्केट प्राइस आपके डिमांड कर्व में मूवमेंट की वजह बनता है, मूवमेंट की। ठीक है, अब अगर मूवमेंट की वजह ये बनता है तो ये जो पिछली स्लाइड में मूवमेंट से शिफ्ट का लफ्ज बोला था वो किसकी वजह बनता होगा। ऑब्वियस थिंग है, हमारे पास पांच डिटर्मिनेंट्स हैं, मार्केट प्राइस के अलावा भी चार ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड कर्व को मैटर, यानी कि डिमांड कर्व के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, अगर देखा जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब वो जो चार डिटर्मिनेंट्स है जिसमें हमारी इनकम, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम आ जाती है, उसमें आपका टेस्ट आ जाता है, उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाती हैं उसके अंदर, इसके अलावा आप लोगों की वन सेकेंड, ओके ठीक है, आप लोग की अटेंडेंस मुझे मिल रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा उसके अंदर जो है आप लोग सॉरी हाँ जी, आप लोग की एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं। ये जो चारों के चारों चीजें बेटे, ये चीजें कॉज करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि मैंने ऊपर लॉ लिखा है पिछली स्लाइड में मूवमेंट में लॉ के अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल एक्यूरेट था, यानी कि ये जो स्लोप बनी थी बिल्कुल एक्यूरेट थी लॉ के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये शिफ्ट शो कर दिया, यानी कि ये डिमांड कर्व। अच्छा, आपने डिमांड कर्व को शो करना है तो आपने पूरा उसके ऊपर डिमांड कर्व नहीं लिखना, आप उसको कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आप नया डिमांड कर्व बनाएंगे उसको डी स्लैश के साथ रिप्रेजेंट कर दें। और लेट से मैं इसी के अंदर कह दूं कि आप एक और डिमांड कर्व बना दें तो आप उसको डी डबल स्लैश के साथ शो कर देंगे। इस तरीके से आपकी प्रोसीजर चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लॉ में ये कहा गया था कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पे तो शिफ्ट है, इस लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मूवमेंट्स होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे बेटे ये जो चार फैक्टर्स है ना मार्केट प्राइस के अलावा, ये इस लॉ को ब्रेक कर देते हैं। अब लॉ को तो ब्रेक कर दिया इन्होंने, लॉ को ब्रेक कैसे किया, अब ये मैं अब बताती हूँ। इनकम के साथ आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, आपकी इनकम है, ठीक है, आपके मैं यहाँ पे इनकम को आई के साथ रिप्रेजेंट करूंगी। लेट से कि आपकी इनकम में इंक्रीज आया, यहाँ पे मैं ये वाला एरो जो अपवर्ड एरो ये इंक्रीज को शो करते हैं। आपकी इनकम बढ़ी है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है आपके पॉकेट में पैसे हो तो आप हर चीज को लेना चाहेंगे, क्योंकि आपकी विलिंगनेस और परचेजिंग पावर दोनों बढ़ती है। लॉ जो कहता था, लॉ कहता था कि एक चीज के कम होने की वजह से, यानी कि एक चीज में अगर इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी चीज में डिक्रीज आ रहा है। लेकिन इनकम के मामले में तो लॉ ब्रेक हो रहा है, इनकम में इंक्रीज आ रहा है, डिमांड में भी इंक्रीज आ रहा है, यानी कि दोनों चीजें पॉजिटिवली स्लोप जा रही हैं। तो अब क्या मैं यहाँ पे एक ये पॉजिटिव कर्व बनाऊंगी, अगर मैंने पॉजिटिव कर्व बनाया तो ये मेरा लॉ ब्रेक हो जाएगा। तो इस लॉ को ब्रेक नहीं होने देना हमने, यानी कि लॉ ने अगर नेगेटिव स्लोप कह दिया है तो हमने नेगेटिव स्लोप ही बनानी है कुछ ना कुछ करके। तो उसका तोड़ इकोनॉमिस्ट ने क्या निकाला कि अगर आपने नेगेटिव स्लोप में ही रहना है, अपने लॉ के अंदर रहना है, तो आप इन शिफ्ट्स की मदद ले सकते हैं। ये जो शिफ्ट्स हुई हुई है, यानी कि आपका कर्व उठ के इधर चला गया है, यहाँ पे चला गया, आप इनकी मदद ले सकते हैं। इनकी मदद कैसे ली जाती है, एक इसमें टिप है, एक टिप याद रखिएगा बेटा, जब आपको ये कहा जाए कि आपके डिमांड में इंक्रीज आया है, ठीक है, आपके डिमांड में इंक्रीज आ गया और आपने उसको शिफ्ट के जरिए शो करना है, तो आपने अपने इस डिमांड के कर्व को, ये वाला जो डिमांड कर्व है, इसको राइट की तरफ को शिफ्ट कर देना है। अब यहाँ पे 2 मिनट आप लोग सुकून से जरा देखिएगा इसको, कि ये जो इंक्रीज वाली चीज है ये आप लोग का राइट वर्ड है, ठीक है, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग मोबाइल स्क्रीन के आगे, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, आप लोग का जो राइट साइड बन रही है वो ये वाला कर्व बन रहा है, ठीक है, और आप लोग की जो लेफ्ट साइड है वो आप लोग का ये वाला कर्व बन रहा है। एक दफा मैं आप लोग को बता भी देती हूँ, ये देखें मैंने ये ग्राफ बनाया, ये मेरा सिंपल डिमांड कर्व, जो इनिशियल डिमांड कर्व था मेरा, ठीक है, मैंने यहाँ पे डी लगा दिया। अब लेट से इंक्रीज आया, इंक्रीज आ सकता है इनकम की वजह से,
टेस्ट की वजह से, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, बस मैंने कह दिया कि बेटा मुझे शो करें कि आपकी डिमांड कर्व में इंक्रीज आया। अब मूवमेंट नहीं आपने शो करनी, आपने शिफ्ट को शो करना है। इंक्रीज आया तो बेटा जब जब इंक्रीज आएगा आपके जो कर्व है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने पल्ले से बांध लेनी है, पल्ले से ना तो अपनी टाई से बांध लेनी है आप लोगों ने, कि ये एक टिप है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की टिप है कि आपके कर्व में जब जब शिफ्ट आएगा, इंक्रीज आएगा, तो आपका कर्व चाहे जिस मर्जी शेप का हो वो राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फॉल आएगा तो आपका कर्व जिस मर्जी शेप का हो तो वो लेफ्ट की तरफ को फॉल कर जाएगा, यानी कि ये डिक्रीज के लिए है, ठीक है, और ये इंक्रीज के लिए है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल एक और दूंगी, लेट्स से कि आगे जाके, ठीक है ना, आगे जाके आप लोगों का कर्व जो है, ये डिमांड कर्व तो नेगेटिव स्लोप है ना, ये आप लोगों का पॉजिटिव स्लोप हो जाए, ये सप्लाई कर्व होता है, ठीक है, बताऊंगी आगे जाके, लेकिन अभी से तो मैं इंट्रो दे रही हूँ। अब इस सप्लाई कर्व में कह दिया मैंने इंक्रीज आ गया, क्या करेंगे? टिप है कि इंक्रीज आए तो अपने कर्व को उठा के राइट की तरफ को शिफ्ट कर दे, अगर डिक्रीज आए तो अपने कर्व को उठा के लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट कर दें। अब इन दोनों में से राइट और लेफ्ट कौन सा है, ये आप लोगों का राइट बन रहा है, ठीक है, और ये आप लोगों का लेफ्ट बन रहा है। अब मैंने इंक्रीज की बात की है तो ये कर्व कहाँ पे चला जाएगा, राइट की तरफ को चला जाएगा। आपने डाउनवर्ड या आपने अपवर्ड नहीं देखना, इस कंसेप्ट से बाहर निकल जाए, आपने देखना है राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, इंक्रीज है तो राइट की तरफ, डिक्रीज है तो लेफ्ट की तरफ। इसी तरीके से डिमांड कर्व में ये आया था कि डिमांड कर्व जब हम लोगों ने बनाया तो डिमांड कर्व का राइट आप लोगों का ये बन रहा है, ठीक है, यही वाली साइड राइट है ना, ये भी इसकी भी यही साइड राइट है, इसकी भी यही साइड राइट है, और लेफ्ट इसका ये बन रहा है। इंक्रीज आएगा तो इस तरफ को डिमांड कर्व आ जाएगा, लेफ्ट आएगा तो, यानी कि डिक्रीज आएगा तो ये लेफ्ट साइड पे डिमांड आपका कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको आगे भी मैं एक दफा रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये जस्ट इन दैट केस है कि जब वो चार फैक्टर्स आते हैं ना मार्केट प्राइस के अलावा, तो आपका लॉ ब्रेक हो जाता है। उस लॉ को ब्रेक नहीं होने देना और अपने कर्व को आपने नेगेटिवली स्लोप रखना है, इसी वजह से डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट आती है। शिफ्ट की सिर्फ एक ही वजह है कि हम लोग अपने लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहते, और वो चार अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लॉ ब्रेक होता है, और उस लॉ को ब्रेक ना करने की वजह से हम लोग डिमांड कर्व में शिफ्ट को इंक्लूड करते हैं। जी आगे चलते हैं, अब इसके बारे में प्रॉपरली आपको एक दफा बता दूं। हाँ जी, ये देखें जी, अब ये जो मैंने पीछे बात जुबानी कलामी कर दी ना, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है, ठीक है मेरा बेटा। अब पहला जो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस से सिर्फ मूवमेंट आएगी, यानी कि दो चीजें होती है डिमांड कर्व में, एक होती है मूवमेंट, एक होती है शिफ्ट। जो मूवमेंट आनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आनी है, आम प्राइस की वजह से, जनरल प्राइस की वजह से। लेकिन जो शिफ्ट होनी है वो ये सारे फैक्टर्स, ये अब आप कहेंगे कि पहला कहाँ गया, पहला बेटे वो मार्केट प्राइस था वो चला गया, अब ये बाकी जो चार बचे हैं ये वो है। सेकंड नंबर पे कंज्यूमर इनकम था। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने ना रेड फॉन्ट किया हुआ है इसका, रेड कलर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया गया। अब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हुई, यानी कि दोनों दोनों पॉजिटिव आ गई, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ गई। तो अब इंक्रीज आए तो डिमांड का किस तरफ शिफ्ट होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज की अगर बात कर रहे हैं तो ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कि इनकम डिक्रीज हुई है तो डिमांड भी डिक्रीज हो गई है, तो ये डिमांड कर्व उठ के आपका जो नया डिमांड कर्व बनता, याद रहे कि आपने अपने पुराने वाले डिमांड कर्व को नहीं छेड़ना, ठीक है, पुराने वाले डिमांड कर्व वहीं का वहीं रहेगा, आपने नया जब डिमांड कर्व बनाना है तो उसको D1 या D2 का नाम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डिक्रीज की बात करती हूँ तो आपका ये वाला कर्व बन जाएगा, ठीक है मेरे बेटे। इसके अलावा ये जो थर्ड पॉइंट था आपका कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें कैसे अपना लॉ ब्रेक हो रहा है, इसमें लॉ ऐसे ब्रेक हो रहा है कि लेट्स से कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड में एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट्स की बात करूं तो बेटे लेट्स से कि आपने मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना है, ठीक है, लेकिन मैकडोनल्ड्स के बर्गर की प्राइस हो गई है, बढ़ गई है, तो आप किसका बर्गर खाओगे, आप सबवे का बर्गर खा लो, अब बर्गर किंग का बर्गर खा लो, आपके पास सब्स्टिट्यूट्स है ना एक चीज को लेके, यानी कि वही सेम बर्गर हो सकता है टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन है तो बर्गर ना, है तो एक ही फैमिली का पार्ट। अगर आपको पिज्जा खाना है तो पिज्जा के लिए आप अलमायदा चले जाओ, आप फॉर्क एंड नाइफ चले जाओ, आप इधर फ्राइड चिक्स चले जाओ, या आप ऑस्ट्रो चले जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो, आपके पास पिज्जा खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, इसको इकोनॉमिक्स की जबान में
सब्स्टिट्यूट्स का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, सेम चीज के जो ऑप्शंस होते हैं। तो अब सेम चीज में क्या होता है कि लेट्स से कि मुझे अब पिज्जा खाना है, ठीक है ना, अब पिज्जा फोक एंड नाइफ में महंगा हो गया, तो मतलब कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि फोक एंड नाइफ की पिज्जा की प्राइस में इंक्रीज आया, तो मेरी डिमांड अब किसके लिए बढ़ जाएगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी ऑस्ट्रो के पिज्जा के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मेरी डिमांड पिज्जा जो था अपना फोक एंड नाइफ का पिज्जा, उसके लिए तो ऑफकोर्स कम होगी, लेकिन असल में बढ़ेगी डिमांड किसके लिए, दूसरी शॉप के पिज्जा के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है। इसके अलावा एक और छोटी सी मिसाल देती हूँ बेटे आपको मैं, लेट से कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है के ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, draz.pk। अब draz.pk के ऊपर सेल लगी है, ठीक है, और यहाँ पे एक फिजिकली एक शॉप इंक्लूड मतलब है यहाँ पे बाजार में, एक बाजार में सेल नहीं लगी है, ठीक है, लॉन बिक रही है, उस लॉन के ऊपर क्या कहते हैं शर्ट्स है, ठीक है, अर्बन स्टूडियो, ठीक है, अर्बन स्टूडियो की कुछ शर्ट्स है जो कि हमारी जो शॉप एग्जिस्टिंग है, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, वहां पे सेल नहीं लगी, जबकि draz.pk पे जो अर्बन स्टूडियो की शर्ट्स मिल रही हैं उनके ऊपर सेल लगी है। अब सेल लगी है draz.pk पे, वहां पे प्राइस में फॉल आया, ठीक है, मैं फॉल की तरफ लेके आ रही हूँ, ठीक है, प्राइस में फॉल आया है, तो डिमांड किसकी, डिमांड किस में फॉल आ जाएगा, डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ेगी तो उधर की draz.pk की, लेकिन जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है अर्बन स्टूडियो उसकी डिमांड में फॉल आ जाएगा, ठीक है। वहां पे तो फोर्स जो draz.pk पे होगा वो हमें पता है, हमने देखना है कि draz.pk की प्राइस कम होने की वजह से दूसरी चीजों के ऊपर असर क्या हो रहा है, वो दूसरी एग्जिस्टिंग जो फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है दुकानें, वहां पे डिमांड डिक्रीज हो गई है, ठीक है। यानी कि एक जगह पे सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री अगर गुड हो, उसकी एक चीज के अगर प्राइस कम हो, तो उसकी डिमांड का असर जो है वो दूसरी चीज के ऊपर पड़ता है। आगे चलते हैं, अब इसी तरीके से टेस्ट की बात की जाती है, टेस्ट में भी लॉ ब्रेक होता है। कैसे लॉ ब्रेक होता है, अगर आपका टेस्ट अच्छा होगा कि आपको वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है, तो आपकी डिमांड भी उसको लेके बढ़ती जाएगी। लेट्स से कि मुझे अब फोक एंड नाइफ का पिज्जा पसंद है, अगर वो पिज्जा 5,000 का भी हो गया, खैर अल्लाह ना करे कि 5,000 का हो जाए, 2,000 इज इनफ, के लेट्स से कि वो 1,500 का हो गया, ठीक है, अब वो 1,500 का पिज्जा हो गया, मैं ये नहीं कहूंगी कि अब मैंने वो पिज्जा खाना छोड़ देना, नहीं, मुझे पता है कि मुझे वो पिज्जा बहुत पसंद है, उसकी मुझे चीज पसंद है, उसकी मुझे टॉपिंग पसंद है, ये सारी चीजें मुझे पसंद है, इसलिए मैं वहीं से डिमांड करूंगी, मैं अपनी डिमांड को कम नहीं होने दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्ट उससे बिलोंग करता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, कुछ ऐसी एक्सेसरीज होती हैं, वो जितनी मर्जी महंगी हो जाए, आप लोगों ने वो खरीदनी ही खरीदनी है। आम सी बात करते हैं, आपकी कॉस्मेटिक्स की तरफ आते हैं, एक शैम्पू है आप यूज करते हो, अब शैम्पू आपकी नेसेसिटी भी है और आपकी डिमांड भी है, ठीक है, अब वो शैम्पू की प्राइस इंक्रीज होगी मार्केट में, हो सकता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी जा रही हो, तो प्रोड्यूसर्स भी बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, ये ऐसे फैक्टर्स के ऊपर नजर रखते हैं कि लोगों का टेस्ट अच्छा हो रहा है ना, तो वो प्राइस भी जानबूझ के आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये सारी इकोनॉमिक्स होती है इनकी। तो अब आपकी टेस्ट उस शैम्पू को लेके बहुत अच्छे, मतलब कि आपका टेस्ट है कि यार मैंने ये लेना ही लेना है शैम्पू, मैं इस शैम्पू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जब आप उसको लेने जाओगे और आगे जाके आपको सेलर ये बताएगा कि भाई ये तो हो गया है 100 से 150 रुपीज का, आप कहोगे नहीं, मेरा टेस्ट इस शैम्पू के साथ बिलोंग करता है, यानी कि मेरी चॉइस है। टेस्ट का मतलब वो सिर्फ वो टंग टेस्ट नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ टंग के साथ रिलेट आपने नहीं करना, टेस्ट का मतलब आपकी चॉइसेस भी है, यानी कि आपकी आपकी पर्सनल चॉइसेस, ठीक है। अब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने वो शैम्पू लेना ही लेना है, तो आप क्या करोगे, कहोगे नहीं मेरी चॉइस ही यही है, तो फिर मैं क्यों इसको कॉम्प्रोमाइज करूँ एक प्राइस की बेस के ऊपर, नहीं आप वो 150 का ही ले लोगे, तो उसकी प्राइस बढ़े प्राइस ना बढ़े, आप सिर्फ उसे अपने टेस्ट या चॉइस के साथ जाओगे, अगर आपका टेस्ट उसके लिए बढ़ता है तो आपकी डिमांड भी उसके लिए बढ़ेगी। ओके हो गया। अब इसके बाद आखिरी जो आ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस आती है मोस्टली ऑब्जर्व की जाती है रियल लाइफ के अंदर, सेल्स के अंदर, सेल लग जाती है ना कहीं पे 50% ऑफ, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है कि भाई आज जाके जूता खरीद लो स्टाइलो से, 50% ऑफ है, आज मिल गया सो मिल गया, कल इन्होंने 3 दिन के बाद सेल खत्म कर देनी है, यही जूता जो आपको 2,000 का मिल रहा है ये आगे जाके 4,000 रुपए का हो जाएगा, 50% ऑफ के ऊपर 4,000 की चीज 2,000 में आज मिल रही है, तो आप आज की जो आपकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, यानी कि कल की प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस, याद रहे एक्सपेक्टेशंस में एक्सपेक्टेड प्राइस का मुआवजना होता है आपकी टुडे की डिमांड के साथ, एक्सपेक्टेड प्राइस आपको है कि ये बढ़ जाएगी, यानी कि सेल प्राइस आज तो प्राइस कम है लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ने वाली है, तो आज की डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी,
ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस है उसका रिलेशनशिप चेक करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस और टुडे की डिमांड के साथ, कि अगर आपकी, हाँ, और अगर ये हो कि आपको लगे कि एक्सपेक्टेड प्राइस कम हो जाएगी तो आपकी टुडे की डिमांड भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब एक्सपेक्टेड प्राइस आपको पता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस आपकी कम हो जानी है, आप अभी सेल को, चीजों को सेल या परचेज कल के ऊपर डाल दोगे, मतलब टुडे अगर एक्सपेक्टेड प्राइस कम होने वाली है तो आप अपनी टुडे की जो आपकी डिमांड है आप उसको इंक्रीज कर लोगे या डिक्रीज कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग ये चीज देख ली जाती है। इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटे, कि अगर आपको पता हो कि ये डिस्काउंट सिर्फ आपको आज मिल रहा है, यानी कि आज आपकी प्राइस जो है कम हो रही है और कल इसकी प्राइस बढ़ जानी है, तो आप अपनी आज की डिमांड को बढ़ा दोगे। यानी कि डिस्काउंट आज मिल रहा है, आज अपनी डिमांड बढ़ा लो क्योंकि कल प्राइस बढ़ने वाली है। ये इतनी सी बात ही, इसके अंदर ये शिफ्ट्स आई हुई है इन फैक्टर्स की वजह से, कंज्यूमर इनकम रिलेटेड गुड्स की प्राइस, यानी कि अब देखिए प्राइसेस आपने मिक्स नहीं करना, मार्केट प्राइस अलग है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अलग है, ठीक है। मार्केट प्राइसेस के साथ सिर्फ सिर्फ मूवमेंट लिंक करती है, लेकिन रिलेटेड गुड की प्राइस के साथ आप लोग की शिफ्ट लिंक करती है। रिलेटेड गुड की प्राइसेस, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन, ये वाहिद वो चार फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये शिफ्ट आती है। ये राइट हैंड साइड है डिमांड कर्व की आपके, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इंक्रीज आएगा तो राइट हैंड साइड को शिफ्ट किया हुआ कर्व, अगर किसी भी सूरत में डिक्रीज आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया हुआ कर्व। दैट्स इट, यहाँ पे आके हमारा डिमांड कर्व का टॉपिक बिल्कुल एंड हो गया। अब इसके